चलिए आईपीसी के धारा 420 को समझते हैं। 420 को आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये चीटिंग और बेईमानी के सेंस में यूज़ किया जाता है। धारा 420 को लॉ के भाषा में समझते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हु एवर चीट्स एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और टू मेक ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और पार्ट ऑफ अ वैल्यूबल सिक्योरिटी और एनी थिंग विच इज़ साइंड और सील्ड एंड विच इज़ केपेबल ऑफ बींग कन्वर्टेड इन टू अ वैल्यूबल सिक्योरिटी शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यानी अगर कोई व्यक्ति धोखा और बेईमानी से कोई भी वैल्यूबल्स या प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति से लेता है या उस वस्तु में परिवर्तन या डिस्ट्रॉय करता है या नकली सिग्नेचर या सील का इस्तेमाल करता है या करवाता है या मदद करता है तो वो व्यक्ति धारा 420 के अंतर्गत अपराध करता है। इसमें 7 साल तक का सजा और फाइन हो सकता है। धारा 420 के लिए दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी एंड इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, यानी गलत का जानकारी होना और फ्रॉड करने का इंटेंशन होना। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई कंपनी फेक स्कीम या फेक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाती है जिसका उसको पहले से जानकारी था कि इसमें लगाए जाने वाले पैसे डूबने वाला है और उस कंपनी या पर्सन का इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था तो उस कंपनी या पर्सन में धारा 420 लगेगा। इस एग्जाम्पल में नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी भी था और फ्रॉड करने का इंटेंशन भी था। अगर वही प्रोडक्ट या स्कीम उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय के द्वारा सेल किया जाता है जिसका उसको जानकारी नहीं था कि कंपनी फ्रॉड कर रही है तो उस एम्प्लॉय के ऊपर धारा 420 नहीं लगेगा क्योंकि एम्प्लॉय को फॉल्सिटी का जानकारी भी नहीं था और फ्रॉड करने का इंटेंशन भी नहीं था।